मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड मुख्यालय परिसर में आज माकपा बिस्फी अंचल द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर हरि नारायण सिंह साह ने की। आंदोलन स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय मंत्री ललन चौधरी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार के कथने एवं करनी में काफी असमानता है। प्रदेश भर में लूट, डकैती, बलात्कार के साथ ही किसी भी कार्यालय में बिना चढ़ोना का काम नहीं होता। एक तरफ सरकार गरीबी मिटाए जाने की बात बोल रही है, तो दूसरी तरफ अभी समस्तीपुर में मनोज झा द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ आत्महत्या गरीबी से तंग आकर कर ली गई। सदन में विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कहा कि भाजपा समर्थित सरकार अपनी तुगल की फरमान से राशन कार्ड को बंद कर गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। जिला पदाधिकारी के नाक के नीचे मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा बिचौलियों को रखकर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, फिर भी पदाधिकारी मौन है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक कमीशन की बंदरबांट का सिस्टम तैयार है। अभी तक सरकारी जमीन पर बसे लोगों को वासगीत पर्चा नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि गांव में लोग नहीं मिलते। सरकार चुनाव के समय जो जनता से वादा की, उन सभी वादों से पुनः सरकार में आने पर मुकर गई है। यह सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव उत्पन्न कर राज करना चाहती है। अब वाम दल के लोग भाजपा के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी।